व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके सामने न्यू मोनोकाइट फाइटर की टेस्टिंग करने वाला हूं। अभी मजा आएगा ना वीडियो तो भाई, बहुत मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। तो भाई आज देखते हैं भाई न्यू मोनोकाइट फाइटर कितना बड़ा तहलका मचाता है, कितना बड़ा तहलका नहीं मचाता, क्योंकि मैं उसकी रिव्यू बहुत पहले ला चुका था, ठीक है ना। और आप लोगों का प्यार बहुत मिला भाई, उसका दिल से शुक्रिया आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मांजा दिखाता हूँ और पतंग दिखाता हूँ कौन सी होने वाली है, फिर स्टार्ट करते हैं आपके लिए टेस्टिंग की वीडियो। दोस्तों पतंग आप देख सकते हो भाई, पतंग ये होने वाली है, ठीक है ना। ये है टूर्नामेंट वाली काइट, तो आज हम ये वाली पतंग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है भाई न्यू मोनोकाइट फाइटर, ठीक है ना। तो आज हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और दिखाएंगे आपको कितना बेहतरीन मजा है और कितना बेहतरीन नहीं है। ये है भाई एकदम ओरिजिनल वाला न्यू मोनोकाइट फाइटर, ये देख लीजिए। तीन होलोग्राम है इसमें, एक येरा और एक भाई ये वाला, ये देख लीजिए ये होलोग्राम, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और दोस्तों टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है भाई। वीडियो में बने रहना और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो में भाई, मजा आने वाला है, तुम में तार दंगे। रुको जरा, सबर करो। दोस्तों एक बहुत बड़ा पॉपअप हो गया भाई, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग कर ली और मुझे पता नहीं था कि वीडियो ऑन है, ठीक है ना। साले का। मुझे लगा कि वीडियो ऑन थी और भाई मैंने इसकी जल्दी से एक्साइटमेंट के चक्कर में अनबॉक्सिंग कर ली भाई। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, आपको मैं दिखा नहीं पाया इसकी अनबॉक्सिंग, सॉरी भाई। ये रहा है भाई, देख लीजिए इसकी अनबॉक्सिंग। तो मैं इसके बारे में बताना चाह रहा था, इसका जो मांजा निकलता है ना, इसके चिटकिन से मांजा नहीं निकलता, इसमें गांठ लगी होती है, ये इसकी एक ओरिजिनलिटी की पहचान है। और कांच देखिएगा दोस्तों, इसमें कितना कांच लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी मैं इसके आपके सामने इसका मांजा चेक करता हूँ कि मांजा कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। ये निकाल लिया मैंने, ये देखिए। कभी भी मांजा चेक करना हो दोस्तों तो कम से कम 8 से 10 गज मांजा निकाल लेना, फिर आपको इसकी क्वालिटी चेक करनी है भाई, ठीक है। ये देखिएगा इसकी, जरा हम क्वालिटी चेक करते हैं मांजे की। ये देखिए दोस्तों नीचे की साइड में जो है मांजा बहुत ही चिकना है, ऊपर के साइड में कांच और धार है, ज़बरदस्त मांजा है भाई। इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस ज़बरदस्त देगा दोस्तों, ठीक है ना। बाकी इसकी हम एक बार टेस्टिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पतंगबाजी शुरू करते हैं। दोस्तों अभी पतंग पार कर लेते हैं अपनी, तो ये न्यू मोनोकाइट फाइटर है दोस्तों, पहला एक्सपीरियंस है, देखते हैं दोस्तों कैसा मांजा निकलता है और कैसा नहीं निकलता, ठीक है ना। तो भाई पतंग जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ मैं पतंग कौन सी वाली यूज़ कर रहा हूँ। ये टूर्नामेंट काइट है जो कि मैंने मंगवाई थी ऑर्डर पे, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको ध्यान रहे, जब भी आप कोई अच्छी मांजा यूज़ कर रहे हो ना, तो उसको हमेशा से एक अच्छी पतंग उड़ाइए। तो दोस्तों आप देख सकते हो भाई मोनोकाइट फाइटर से हमने पतंग बता दी है, ये देख लीजिए पतंग मोनोकाइट फाइटर से बच चुकी है, ठीक है। तो अभी पैन लड़ाते हैं दोस्तों, ठीक है चलिए। पहला पैच आता हुआ भाई रेड सर्कल में, आपको मेरी पतंग दिख रही होगी, ठीक है। तो राइट साइड में जो बंदा है वो अपोनेंट्स है, और जो लेफ्ट साइड में मेरी पतंग है रेड सर्कल में आपको दिख रही होगी वो मेरी पतंग है, ठीक है ना। तो भाई अपोनेंट्स फुल तैयारी से आ रहा है भाई नीचे की तरफ, ये देखिए नीचे से आ रहा है दोस्तों, और नीचे की तरफ घुसा, सीधी खींची, हल्की डोर मैंने उसके ऊपर रखी, और दोस्तों वो हमारा भाई साहब पहला पैच बहुत ही खतरनाक तरीके से काटा। दोस्तों ये रेड सर्कल में आपको मेरी पतंग दिख रही होगी, तो भाई मैं इसको स्लो मोशन में समझाता हूँ इसमें हुआ क्या था। ये अपोनेंट्स आया है राइट साइड में, तो वो आया नीचे से बहुत तेज़ी से, ठीक है ना। तो खींच मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसने जैसे ही अपनी पतंग सीधी तीर की तरह उठाई, तो मैंने अपनी पतंग उसके बिल्कुल ऊपर रख के ढील चला दिया बहुत तेज़ी से, और मांजे का कमाल देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से उसकी पतंग काट दी। शाबाश। दोस्तों ये आपको रेड सर्कल में मेरी पतंग दिख रही होगी, और ये जो ब्लू सर्कल में ही अपोनेंट्स की पतंग है। अपोनेंट्स जो है ऊपर से है, मैं नीचे से जा रहा हूँ, और ये मांजा इलस्ता हुआ मेरा, अब देखते किसी कटती है भाई। उसने चक्कर देने स्टार्ट कर दिए, ओह शिट। दोस्तों देख सकते हो भाई मेरी पतंग कटती हुई, यहाँ पे फिल्टर मैंने चेंजेस लेके आता ताकि आपको क्लियर पैचे समझ में आए भाई। कट गई पैच, कटने के बाद में दूसरा पैच हमारा कट चुका है भाई, ठीक है ना। तो भाई ये मतलब सोचना फिर से कि भाई मांजा ख़राब है या फिर कुछ कमी है, ठीक है ना। अभी इसकी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है, अभी इसकी टेस्टिंग पूरी करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, तो दोस्तों अब ये वाली पतंग हम उड़ाने वाले हैं, ठीक है ना। ये ब्लैक कलर की, तो वो वाली कट गई थी, तो अब इस वाली पतंग को उड़ाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए पतंग आप, ये टूर्नामेंट वाली पतंग है। आप दोस्तों देखते हैं कितनी पतंग काटता है कितनी नहीं काटता, ठीक है। दोस्तों अभी पतंग कर लेते हैं पार। दोस्तों पहले वाला पैंच बहुत अच्छे तरीके से काटा था मोनोकाइट फाइटर जो न्यू वाला है। दोस्तों दूसरा पैंच हमारी कमी की वजह से ही काटा था, क्योंकि मांजा इलझ गया था बीच में, उसको सुलझाने के चक्कर में हमने सोचा चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब तो सुलझेगा नहीं, तो वो हमारी ही कमी से काटा था। लेकिन अब देखते हैं दोस्तों अब क्या तबाही मचाएगा क्या तबाही नहीं मचाएगा। तो चलिए दोस्तों
तो रेड सर्कल में आपको मेरी पतंग दिख रही होगी, मैं हूँ ऊपर से, अपोनेंट्स हैं नीचे से, ठीक है। अपोनेंट्स ने बाहर से तेजी से तरफ खींचना चाह रहा था भाई, लेकिन डोर टच करती गई है। तो दोस्तों ये है असली रियल मोनोकाइट फाइटर की पावर, ठीक है भाई। दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त पैच आता हुआ नेक्स्ट हमारे सामने, ये देखिए रेड सर्कल में आपको मेरी पतंग दिख रही होगी और अपोनेंट्स ने ऊपर से आके चक्कर देने स्टार्ट कर दिए, और ये पीली वाली पतंग है ये भी लच गई है, वो हमारा लगा तू साहब। दोस्तों भाई एक पतंग काट चुका हूँ, अब देखते किसी करती है, वो हमारा उसकी भी साफ साड़ेगी, वो हमारा लगा तू साहब। ये रेड सर्कल में दोस्तों मेरी पतंग दिख रही होगी आपको, और ये भाई लेफ्ट साइड में अपोनेंट्स है, इसके साथ में हम पैंच लड़ाने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों कैसे रहेगा पैंच। अपोनेंट्स आया बिल्कुल नीचे से और मैं हूँ जा रहा हूँ ऊपर से, अपोनेंट्स ने बिल्कुल तेजी से नीचे से आके पैंच लड़ा रहा है भाई बिल्कुल, और ऊपर की तरफ ठा दिया सीधा, लेकिन दोस्तों ढील का पैंच बनाया अपोनेंट्स ने, मुझे लगा था भाई खींच मारेगा, लेकिन नहीं भाई, और घुमा दिए चक्कर देने स्टार्ट कर दिए। दोस्तों ये देख लीजिए दोस्तों, पता नहीं भाई क्या होगा इस वाले पैंच में, क्या नहीं होगा, दोनों की पतंग घूम रही है, ठीक है। वो निकल चुका है लेफ्ट साइड में और मैं आ गया हूँ राइट साइड में, ठीक है। अपोनेंट जा रहा है नीचे की तरफ, मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। अभी भाई बहुत ही दिलचस्प पैच बन चुका है, यहाँ पे मोनोकाइट फाइटर का असली इम्तहान है दोस्तों, क्योंकि अब तक ये ही अपोनेंट है जो अब तक इसने इतनी देर तक टक्कर झेल ली है, ठीक है ना। अभी देखते हैं दोस्तों किसकी करती है, क्या किसकी बस्ती है। ये देखिए दोस्तों ज़्यादा ही घूम रहा है ये अपोनेंट्स, और मेरी पतंग बिल्कुल सीधी सीधी खड़ी हो रही है, आराम से ऊपर की तरफ जा रही है, देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए भाई, ओह काफ़ी दूर निकल चुके हैं पैंचे भाइयों, ओहो मेरी पतंग ऊपर की तरफ, उसकी पतंग नीचे की तरफ, अब पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं भाइयों क्या होता है। भाई पसीने आ गए रे, बहुत दूर चले गए ये पैंचे दोस्तों, और अब तक कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन जो भी होगा ना मज़ा आने वाला है भाई, ठीक है। ओह ये देखिए दोस्तों कैसे अपोनेंट्स की कटती हुई, भाई उसने सोचा कि अब कुछ नहीं हो रहा तो बाहर की तरफ खींच देता हूँ तेज़ी से, लेकिन भाई उसकी पतंग कट गई, उसने यहाँ पे मूर्खता दिखाई और उसको यहाँ पे अंजाम भुगतना पड़ा भाई, ठीक है ना। और मेरी पतंग हो रही शहनशाह की तरह खड़ी हुई, तो सैल्यूट मोनोकाइट फाइटर। दोस्तों ये रेड सर्कल में मेरी पतंग दिख रही होगी आपको अपोनेंट्स के, मैं ऊपर से हूँ दोस्तों, और जैसे ही मैंने पैंच फंसाया और हल्के चक्कर देने स्टार्ट करे अपोनेंट्स के ऊपर से, भाई ये देखे दोस्तों कैसे उसकी मैंने पतंग काटी मोनोकाइट फाइटर से, वो मारा लगा तू साहब। तो दोस्तों ये रियल मोनोकाइट फाइटर की पावर है दोस्तों, कैसे लगे आपको पैसे कमेंट करके जरूर बताना भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। तो दोस्तों देख लिया आपने पैसे भाई, तो दोस्तों ये थे रियल मोनोकाइट फाइटर के, जो कि न्यू वाला 2022 में लॉन्च हुआ था, उसके पैंचे मैंने आपको दिखाई है, उसकी टेस्टिंग मैंने आपको दिखाई है। तो दोस्तों मांझा ओवरऑल बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, मांझा ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो भाई आपने देख लिया मैंने कितने पैंच काटे इसमें, ठीक है। तो दोस्तों आपने ये तो देख लेता कि भाई मांझे में कितना कांच था, ठीक है ना। तो इतना कांच होने के बावजूद भी अगर मांझा यहाँ पे काम ही ना, भाई फिर मांझा किस काम का, ठीक है ना। तो भाई जितने भी इसने पैंचे काटे वो तो आपने सब देख लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों पैंचे बताना पैंचे कैसे लगे आपको। तो भाई आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ जल्दी से किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गाइस जय भारत।